दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा बिहार में लॉकडाउन को एक बार फिर से लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था लाइव आके कि लॉकडाउन एक आखिरी विकल्प है, लेकिन उस आखिरी विकल्प को भी बिहार में चुन लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। बिहार में लॉकडाउन लगाने के बाद सवाल लोगों के अंदर बन रहा है कि क्या बिहार आने वाली ट्रेनें नहीं चलेंगी, क्या बस की सवारी हम नहीं कर सकते हैं, क्या हवाई यात्रा हम नहीं कर सकते हैं। अगर वो सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो पूरे नियम के साथ अगर जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे सरल भाषा में आपको समझाएं तो ये तीनों बस, ट्रेन और हवाई जहाज़ बंद नहीं हुई हैं। मतलब अगर आप कहीं दूर हैं और अपने बिहार आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम नंबर वन, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको टिकट लेने में पसीने छूट जाएंगे। मतलब असल में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है लोहे के चने चबाना। एक एक महीने तक वेटिंग है अपने ज़िले आने के लिए। दूसरा, हवाई जहाज़ की बात करें तो अगर एक गरीब आदमी बाहर फंसा हुआ है तो एक अपने घर आने के लिए उनको प्रेजेंट डे टिकट लेने के लिए 10,000 रुपये देना पड़ेगा। तो ये दूसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प, अगर आप बस से आते हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा दी जाती है, जैसा कि आपने पिछले साल और इस साल के भी कितने सारे वीडियो में देखा होगा। हम सरकारी आंकड़ों की बात नहीं करते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट की भी बात नहीं करते हैं, जो दिखता है वो हम आपको दिखाते हैं। अब सवाल ये कि अगर हम अपने ज़िला आ भी जाएंगे तो सब लोगों का तो घर जिला में नहीं होता है, ज़िले से बाहर भी होता है बहुत लोगों का घर। अगर आपका घर ज़िले से बाहर है, यानी कि अगर आप मान लेते हैं मेरी तरह आप मोतिहारी रहते हैं और आप पटना जाते हैं प्लेन से, तो आपको लेने के लिए मोतिहारी से किसी बंदा को जाना होगा पटना, क्योंकि वहाँ से फिर आने के लिए बहुत मुश्किल है, आप नहीं आ पाइएगा। और रास्ते में अगर प्रशासन साहब मिल गए और आप कितने भी अपने दलीलें पेश करते रह जाइए कि मेरा भाई आया है, तो वो कहेंगे कि आप बहाना बना रहे हैं और आपको कूट देंगे, और फिर अपने भाई को लाने जा ही रहे हैं, आते जाते दोनों तरफ से मार खाइए पुलिस से। दूसरा, अगर आप अपने ज़िला आ जाते हैं और गाँव जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अपने भाई को ही बुलाना होगा, और ट्रेन का टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है, कभी रात में भी आ सकता है, कभी दिन में भी आ सकता है, और टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं रहता है। तो अगर रात में आते हैं तो फिर आपको स्टेशन पर रहना होगा, और स्टेशन पर रहने के लिए भी स्टेशन के भी कितने सारे प्रोटोकॉल्स हैं, कितने सारे नियम कानून हैं, जो कि वाकई बहुत मुश्किल हैं। सरकार निवेदन कर रही है कि आप जहां हैं वहीं रहें। नीतीश कुमार ने अपना पलड़ा झाड़ दिया था पहले ही, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि जितने लोग बिहार से बाहर हैं वो जल्द से जल्द अपने ज़िले, अपने घर, अपने गाँव आ जाएँ। उस समय उनके कहने का रीज़न ये था क्योंकि उस समय बस भी चल रहा था, ट्रेन भी चल रहा था और हवाई यात्रा भी चल रही थी और बिल्कुल अपने उचित मूल्य पे चल रही थी। लेकिन अब सब चीज़ बंद है तो सब चीज़ का ब्लैक मार्केटिंग भी हो रहा है, तो इसलिए सरकार आपसे यही अभी निवेदन कर रही है कि जहां हैं वहीं रहें। लेकिन सरकार को क्या पता कि कंपनी का मालिक जब कंपनी बंद हो जाता है तो निकाल देता है और ना खाना देता है ना रहने की सुविधा देता है, कहता है कि पैसा है तो रहिए, नहीं है तो अपना घर जाइए। हमको नहीं पता है कि पुलिस क्या करेगा आपके साथ, क्या नहीं करेगा, हमको अपना रूम, हमको अपना फैक्ट्री खाली चाहिए। तो दोस्तों, ये है मोटा मोटी न्यूज़ कि बस, ट्रेन और हवाई यात्रा बंद नहीं है, आप चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन इतने सारे मुश्किलों का आपका सामना करना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिली होगी। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एवन बिहार। नमस्कार।